जितना क्राउड सिटी में नहीं था उससे ज़्यादा क्राउड तो शिप के अंदर होगा, क्योंकि शिप के जिंदे हैं सब। हे वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, वीडियो शूट रहा है हाकुडेट जापान। हाकुडेट जो सिटी है ये भी हाकु आईडी रीजन में आता है, और मेरे पीछे आपको मेरा शिप दिख रहा होगा, ये यहाँ पे अभी डॉक हुआ है हाकुडेट टर्मिनल पे। वहाँ से भी मैं बाहर आया हूँ, और यहाँ पे टाइम अभी शाम के 5 बजे हुए हैं, और थोड़ी देर में धूप भी चले जाएगी, और मौसम ठंडा ही है यहाँ पे भी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अभी लेके जा रहा हूँ बे एरिया। जैसे टर्मिनल से आप बाहर निकलेंगे तो आपके राइट साइड में 10 मिनट के वॉक पे बे एरिया पड़ेगा। बे एरिया है रेड ब्रिक वेयर हाउस, तो वहाँ पे मैं आपको ले जा रहा हूँ। और लेफ्ट साइड जस्ट 3 मिनट आप वॉक करेंगे तो जो मॉर्निंग मार्केट यहाँ पे फेमस है वो आपको पड़ेगी। यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट नाइट व्यू देखने के लिए आते हैं, जो सिटी का नाइट व्यू है ऊपर माउंटेन से। हाकुडेट जो सिटी है उसका नाइट व्यू देखने के लिए, इसीलिए अपनी शिप की सेलिंग भी आज लेट में है। अपना शिप यहाँ पे आज 12 बजे लग गया था, और सेलिंग है रात को 12 बजे, तो जब शाम को नाइट व्यू देख लेंगे पैसेंजर, उसके बाद ही शिप निकलेगा यहाँ से। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ बे एरिया के पास, वही सामने बे एरिया है, वो जो रेड ब्रिक वेयर हाउस है वहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ अभी। तो यही बे एरिया है, वो देखिए बे, ये जो रेड ब्रिक वेयर हाउस हैं बस इसी के लिए फेमस है ये जगह। और उसके इस तरफ को यॉट वगैरह लगे हैं। ये जो सिटी है ये चारों तरफ से छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है, और जहाँ पे अभी मैं हूँ, मैं बे एरिया के जस्ट फ्रंट में हूँ अभी। यहाँ से मैं आपको एक बार पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये जो ओल्ड रेड ब्रिक वेयर हाउस है इसके अंदर शॉप्स वगैरह भी हैं, आपको लेके चलता हूँ थोड़ा दिखाता हूँ अंदर। और ये यहाँ पे टैक्सीज हैं, पूरे जापान में इस तरह की टैक्सी रहती हैं जैसे आपको यहाँ पे दिख रही हैं। इसके अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यार, थोड़ा मार्ट जैसा है। टेलीफोन, इसके अंदर कॉइन डालो 10 yen 200 yen, और उसके बाद कॉल कर लो जहाँ करना है। ये कोई जापानीज वाइन, ये है ग्लास अम्ब्रेला। यहाँ पे पूरे अम्ब्रेला है, छाता ही छाता। ये जो बे क्रूज है यहाँ से ये बोट की बुकिंग कर सकते हैं, ये छोटे छोटे बोट्स हैं। जैसे जैसे धूप जा रही है वैसे वैसे ठंड बढ़ने लग रही है, और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे मॉर्निंग मार्केट। सिटी में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपको हर 100 मीटर में या 200 मीटर में इंफॉर्मेशन मैप मिल जा रहे हैं। वैसे तो हर सिटी में मिलते हैं इंफॉर्मेशन मैप लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत नज़दीक हैं, 100 मीटर में आप जिस भी स्ट्रीट में जा रहे हो या जिस भी गली में घुस रहे हो, हर एक गली में इंफॉर्मेशन मैप है। शूटिंग चल रही है, थोड़ा सेटअप लगा के। ये है मॉर्निंग मार्केट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर शॉप अभी बंद है। ये देखिए सारी दुकानें बंद हैं। ये है यहाँ पे हाकुडेट स्टेशन, यहाँ से आपको मेट्रो वगैरह मिल जाएंगी, और जैसे आप यहाँ से बाहर निकलेंगे यहाँ से आपको टैक्सी वगैरह भी मिल जाएंगी। ये बिल्कुल पोर्ट के पास ही है, जो मॉर्निंग मार्केट है वहीं पे। यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें भी बंद हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग है वो मैंने देखा हर जगह लिखा हुआ है उनके गेट पर 9 to 6 PM, और अभी यहाँ पर 6:15 हो गया है, तो ज़्यादातर दुकानें बंद हैं अभी। यहाँ पर 6 बजे तक ही खुलती हैं शायद शाम को। यहाँ पे अभी मॉर्निंग मार्केट तो बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें आसपास ही हैं। जैसे जहाँ पे आप पीछे देखिए वहाँ पे क्रूज टर्मिनल है, इसी के आसपास आपको होटल मिल जाएंगे,
और वहाँ पे आपको मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको बस स्टेशन मिल जाएगा और टैक्सी वगैरह सब यहीं पे मिल जाएंगे आसपास ही आपको। ये देखिए ये बस स्टेशन है और सामने ये मेट्रो का स्टेशन है, वहाँ पे क्रूज़ टर्मिनल है और ये सारे होटल्स हैं। होटल्स बहुत हैं यहाँ पे और ये मॉर्निंग मार्केट है इसके पीछे, लेकिन वो बंद हो चुकी है अभी। जापान की सारी सिटीज़ मतलब इतनी क्लीन है ना, एक पेपर का टुकड़ा ढूंढना मुश्किल जा रहा है ज़मीन में, आपको दिखाता हूँ मैं कि पूरा क्लीन है। ये दुकानें हैं वो तो बंद हो चुकी हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह जो फूड आउटलेट्स हैं वो अभी ओपन है अभी यहाँ पे, बाकी ज़्यादातर ऐसे अगर शॉपिंग वगैरह करनी है आपकी तो वो दुकानें बंद हो चुकी हैं यहाँ पे अभी। ये सब रेस्टोरेंट्स हैं। ये यहाँ पे ट्रेन का स्टेशन जो आपको सिटी के अंदर इंटर सिटी जो चलती है, बहुत छोटी सी है बस की तरह। और जापान में पब्लिक साइकिल का भी बहुत यूज़ करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिलिंग स्टेशन है, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। अभी मैं बिल्कुल आ गया हूँ यहाँ पे समंदर के किनारे में, यहाँ पे एक बीच है छोटा सा। ये देखिए ये पूरा बीच है। सिटी काफ़ी बड़ी है, बहुत फैली हुई है, लेकिन जो मेन है जहाँ पे मार्केट वगैरह वो यहीं पे है। ये मैं आपको अभी एक टेंपल के अंदर लेके चलता हूँ। वैसे तो मुझे लगता है कोई नहीं है यहाँ पे, बंद ही हो गया ये। शाम को पूरी सुनसान हो जाती है यहाँ पे। ये देखिए मंदिर, लेकिन अंदर नहीं जा पाऊँगा मैं, गेट बंद है। इधर भी गेट बंद है। तो यहाँ से भी वापस निकल रहा हूँ मैं पोर्ट की तरफ को। बसें भी बिल्कुल खाली हैं, एक भी इंसान नहीं है बस में। थोड़े जो ये रेस्टोरेंट हैं ये ओपन है, इनमें भी कोई नहीं है। खाली है। बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी यार, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में नवंबर दिसंबर का महीना रहता है वैसे ही। लोग तो यहाँ पे जैकेट वगैरह डाल के घूम रहे हैं। दिन में सही रहता है, दिन में धूप थी तो आप जा सकते हैं, लेकिन शाम को आपको जैकेट चाहिए यहाँ पे। अभी टाइम 8:30 हो चुका है और आपको मैं अभी एक स्ट्रीट फूड जो मार्केट है उसके अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो भी डिशेस है ना, ये देखिए ये सब डिस्प्ले बनाया हुआ है, मतलब ये आर्टिफिशियल है और उसके प्राइसेस भी दिए हैं, जैसे फीस है आपको कितना पे करना है उसका रेट दिया है यहाँ पे। ये भी बंद हो चुका है लगता है, मेरे को सुनसान ही है। कोई भी इंसान नहीं है यहाँ पे मेरे अलावा। और ये देखिए यहाँ पे क्रैब, जिंदे हैं सब। एक ये रेस्टोरेंट ओपन है यहाँ पे, ये भी 10:30 क्लोज हो जाएगा, अभी ओपन है। पूरा सी फूड का यहाँ पे। बाकी पूरी मार्केट बंद है, देखिए यही मॉर्निंग मार्केट है, पूरा बंद है सब कुछ। ये देखिए लिखा हुआ है मॉर्निंग मार्केट। और ये पूरा पोर्ट एरिया है, जितना क्राउड सिटी में नहीं था उससे ज़्यादा क्राउड तो शिप के अंदर होगा, क्योंकि शिप के अंदर अभी हमारे पास 3200 पैसेंजर है और 1200 क्रू। और यहाँ पे देख रहे हो आप सिक्योरिटी ने कितनी मोटी मोटी जैकेट पहन रखी हैं, थैंक यू, मोटी मोटी जैकेट पहन के घूम रहे हैं। देखिए ये पूरा टर्मिनल है। बाहर सच में बहुत ठंड है यार, और अभी अंदर आके थोड़ा सही लग रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।